बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, पहले तो ये जरा शिकवे का जवाब दे दें, क्योंकि इन जितने भी लीडरान में नाम है, एंड पे नाम आपका है, कि जरा हमसे भी इनपुट ले लें। आप लोग अपनी मर्जी किए चले जा रहे हैं, हमसे भी इनपुट ले लें। जो कोर्ट लखपत के अंदर जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनसे जरा पता तो करें कि वो क्या समझते हैं। देखें, बड़ी कुर्बानी है शाह महमूद साहब की, और हमारे वाइस चेयरमैन है, एंड उनकी जो गुफ्तगू है उसमें वजन है, और मैं ये समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। मैं तो पहले ही उनकी बेटे जैन कुरैशी, जो कि हमारे डिप्टी पार्लियामेंट लीडर भी थे, उन्हें 12 कह चुका हूँ कि शाह महमूद साहब से मेरी मुलाकात करवाएं। मैंने तो भी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, 2-3 माह हुए हैं, मगर उनकी बात में वजन है, और बिल्कुल क़यादत को उनसे वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करनी चाहिए। और मेरे इल्म में है कि क़यादत में से कुछ लोग जो हैं वक्तन फवक्तन कुरैशी साहब तक, शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचते भी हैं, उनके पैगामात एक्सचेंज होते हैं थ्रू उनकी जैन कुरैशी साहब के, और जो हमारे बाकी सेनेटर्स जैसे सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उनके मैसेजेस आ जाते हैं हम तक, उनके जो नौजवान उनके जो बेटे हैं उनके थ्रू, इसी तरीके से यासमीन राशिद साहिबा, सबके साथ पैगाम रसानी जरूर हो रही है, मगर जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। क्या 24 नवंबर के हवाले से शेख साहब उनसे कोई इनपुट लिया गया अभी तक या नहीं? देखिए, जिस वक्त 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब ने दी है, तो उसमें किसी और से तो इनपुट लेने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि चेयरमैन जिस वक्त एक डेट दे देते हैं तो उसके बाद किसी और इनपुट की जरूरत रह नहीं जाती है। फेयर इनफ। अच्छा, ये बताइएगा, आपने फरमाया है जैन कुरैशी साहब से आपने बड़ी दफा कहा है कि जरा मेरी मुलाकात करवा दे शाह महमूद कुरैशी साहब से, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैन कुरैशी साहब ने मुलाकात नहीं करवाई आपकी शाह साहब से? नहीं 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 नहीं, इसमें से कोई कॉन्ट्रोवर्सी निकालने की जरूरत नहीं है, वो बिजी होंगे या वो उनके जहन में नहीं रहा होगा। मैं आई विल पुट इट दैट वे, डोंट इसको इस तरीके से मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आप, तो वो क्लियर हो जाएगी। कंट्रोवर्सी तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। जैन कुरैशी साहब को जो शो कॉज नोटिस दिया था उसका क्या बना शेख साहब? जैन कुरैशी साहब का जवाब आ गया जी, और क्योंकि अब एक कॉल आ गई है तो, और जैन कुरैशी साहब को मैं आपको वाजे कर दूं, और उन समेत बाकी जो 3 लोग हैं यानी कि 4, उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया था, उन्हें एक वजाहत तलब की गई थी पार्टी के हवाले से, पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। अब पार्टी दस्तूर के मुताबिक वो जो कमेटी है जो भी है उसकी जो भी कॉम्पोजिशन है वो बैठ जाएगी, और वो देख लेगी कि वो कितने को मुतमिन है। कल जो यहाँ पे पेशावर में इजलास हुआ जिसकी सदारत बैरिस्टर गौर ने की, उसमें जैन कुरैशी साहब मौजूद थे। सो लेकिन अभी तक जैन कुरैशी साहब को उस मामले के ऊपर क्लीन चिट नहीं मिली है, इज दैट ट्रू? देखें, वजाहत जब मांगी जाती है पार्टियों में तो पार्टियां अपनी टाइम के ऊपर उसके फैसले करती हैं, तो इसमें क्लीन चिट या कोई उस चिट विट का कोई जिक्र नहीं है, ना उसका कोई ताल्लुक है। एक पार्टी ने वजाहत मांगी है, उन्हें जवाब दे दिया है, पार्टी उस पर फैसला कर देगी, इज पार्ट ऑफ द पार्टी। राइट, कब तक इम्कान है इसके फैसले के हवाले से? जस्ट वांट टू क्लियर दिस, बिकॉज क्या 24 नवंबर से पहले इसका फैसला आ जाएगा या 24 नवंबर के बाद? मेरा ख्याल है ये हो जाना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं हुआ तो, अगर क्योंकि लोग इस पे सवाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये करना है उसको जल्द निपटा देंगे। ये बता सकते हैं शेख साहब डिले किस चीज का? मेरे ख्याल में आपको अंदाजा होगा कि पिछले 1-2 हफ्तों से पे दर पे हमारे ऊपर बहुत से मसाइल और बहुत सी कॉल्स और बहुत से मामलात हैं, जिसके हवाले से सारी सीनियर लीडरशिप और सेकेंड कैडर लीडरशिप अपने अपने मामलात में और कॉल्स में मसरूफ है, हो सकता है दैट माइट बी द बिगेस्ट रीजन। अच्छा, वैसे ये वाले मसाइल तो आप लोगों के साथ काफी अरसे से दरपेश है, कोई नया मसला तो नहीं है? नहीं, आप उसमें शिद्दत आ गई। अच्छा।